नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार में मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। पिछली रात ही एक अलर्ट जारी हुआ था और अब एक और अलर्ट जारी हो चुका है, वो है वज्रपात को लेकर के, यानी कि बिहार में ठनका गिरने की घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से ये सचेत किया गया है लोगों को कि आप सावधान रहिए, खास करके ग्रामीण इलाकों में जहां पर बिजली गिरने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो बारिश तो होगी होगी, इसके साथ ही साथ अब बिहार में बिजली भी गिरने के अलर्ट जारी किया गया। 28 जून तक बिहार में ये खतरा बना रहेगा, वज्रपात का खतरा बना हुआ है, सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। तो बिहार में अब तक वज्रपात से 83 लोगों की मौत हो चुकी है। आकाशीय बिजली गिरने का खतरा अब तक बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार में बिजली का खतरा लगातार अभी जारी रहेगा। शुक्रवार यानी कि आज के दिन भी जिलों में भारी बारिश के आसार हैं और मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें। आज जिन जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की गई है उनमें 18 जिलों में खास तौर पर एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। तो मौसम विभाग के तरफ से यह अलर्ट जारी हुआ है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बिजली गिरने से सावधान रहिए, घरों में रहिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। बिहार में ग्रामीण इलाके जो हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है वहां पर बिजली गिरने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए लोगों से बार बार कहा जाता है कि खेतों में न जाएं, खुले में शौच करने के लिए ना जाएं, क्योंकि उस समय बिजली गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। मौसम विभाग के अनुसार 18 जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। विशेष रूप से प्रभावित होने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार शामिल है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को उचित सावधानी और सुरक्षा के उपाय बरतने की सलाह दी है। पटना के स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया है कि बारिश के दौरान लोगों को घर से बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए। प्रयास करें कि पक्के घर में सुरक्षित रहें। बारिश के दौरान लोग खुले में पेड़ों के नीचे छिपने की कोशिश करते हैं। हरे पेड़ पर बिजली गिरने की अत्यंत संभावना होती है, ये बिजली को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करते हैं, इसलिए अक्सर देखा जाता है कि पेड़ों पर बिजली गिरती है। ऊंचे पेड़ पहले उसके शिकार होते हैं और मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि बिजली कड़कने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। जब तक आकाश साफ नहीं हो जाता है आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह की सावधानी बरतनी है और अभी फिलहाल 28 जून तक ये खतरा बना रहेगा। बिहार में मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। आप लाइव सीरीज साथ बने रहिए, आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रखना है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।